Dear students, assalamu alaikum. I welcome all of you in the lecture 13 for the course series Research Methods in Special Education. And the course code for this course is SPT 3116. This course is designed for the program MA Special Education Semester 2. Hamara aaj ka jo topic hai wo hai experimental research and designs. चूँकि ये एक ब्रॉड टॉपिक है तो मैंने इसको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हम तफसील के साथ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और इसके सारे प्रोसीजर्स को जो है वो समझ सकें. तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसका पार्ट वन है. आई एम द कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर दिस कोर्स एंड द कोर्स रिसोर्स पर्सन Dr. Afaf Manzoor, Department of Special Education, University of Education, Lahore, and you can access me on afaf.manzoor@ue.edu.bk. So here is the agenda. आज के जो लेक्चर में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो होता क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या हैं, इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं और कौन से थ्रेट्स हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को हमें देखने पड़ते हैं. सो हियर आर द फ्यू लर्निंग आउटकम्स आफ्टर वॉचिंग और लिसनिंग दिस. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. दे कैन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड दे नो अबाउट द थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी. यहाँ पे मैंने कुछ रीडिंग्स आपके लिए सजेस्ट की हैं. दीज आर सम गुड बुक्स एंड रीडिंग्स जो कि आप इस लेक्चर को सुनने के अलावा जो है आप यहाँ से देख सकते हैं और तफसील में जो है अगर मज़ीद आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें इस टॉपिक को तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो ये है क्या. अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तो दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ रिसर्च जो कि हमें ट्रूली टेस्ट करने के लिए अलाउ करती है कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें और जान सकें जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स. क्योंकि ये जो रिसर्च है दिस इज़ द मोस्ट वैलिड अप्रोच टू द सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स बोथ प्रैक्टिकल एंड थेरेटिकल. और अगर हम ये देखें कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है इसमें रिसर्चर मैनिपुलेट्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल्स ओवर रेलिवेंट वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. जो कि हमने पिछले टाइप्स पढ़ी जैसे कि हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ी, हमने कोरिलेशन रिसर्च पढ़ी, तो उसमें और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो मेन डिफरेंस है या जो स्ट्रेंथ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की वो ये है कि हम इसमें जो फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल वैलिडिटी के और रिलायबिलिटी के उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं हम उनको कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं. सो द रिसर्चर डिटरमिन्स हु गोज़ व्हाट एंड विच ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स गेट विच ट्रीटमेंट. सो दिस मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट ऑल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ रिसर्च. तो आइए हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं. ए डिपेंडेंट वेरिएबल एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स का होना लाजमी है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिलाई कर रहा होता है, यानी एक की वजह से दूसरा वेरिएबल अफेक्ट हो रहा होता है. दूसरा इसका जो फीचर है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स वाइल एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग. अब दूसरी इसके अंदर जो मस्ट चीज़ है वो ये है कि जो उन दो वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनके दरमियान में कॉज एंड रिलेशनशिप इफेक्ट का जो होना है वो लाजमी है, यानी एक वजह से दूसरी चीज़ जो है वो या बढ़ रही है या कम हो रही है या किसी भी तरह से असरअंदाज वो हो रही है. थर्ड फीचर इज़ ऑल अदर पॉसिबल कन्फाउंडिंग फैक्टर्स. कन्फाउंडिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो कि उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे थे अदर देन द वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल दो वेरिएबल्स है ना, एक तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं.
सो एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड ए कंट्रोल ग्रुप, इसी तरह से हमारे पास इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिसको आप ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, जिसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको कि आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आप किसी किस्म की जो है एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो नहीं कर रहे होते, और ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह से आपकी जो रिसर्च है उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ अप्रोप्रिएट सिलेक्शन असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। फिर इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने सब्जेक्ट्स जो हैं उसको किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं और सब उनको असाइन किस तरह से कर रहे हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो रैंडम सिलेक्शन है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। और आखिरी चीज़ है इसमें रेप्लिकेबिलिटी, कि रेप्लिकेट किस तरह से करते हैं। तो आइए हम इन फीचर्स को वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट फीचर दैट इज़ लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो द डिपेंडेंट वेरिएबल और द क्राइटेरियन वेरिएबल इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड द मेजरमेंट। यानी ये वो वेरिएबल होता है जिसको कि हम स्टडी में मेजर करना चाह रहे होते हैं, जानना चाह रहे होते हैं उसके बारे में। और द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप प्रेडिक्टर भी कहते हैं इज़ सेलेक्टेड एंड मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट। और ये वो वेरिएबल है जिसको आप प्रेडिक्टर भी कहते हैं, जो कि जिसको कि एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर जो है मैनिपुलेट कर रहा होता है, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई ट्रीटमेंट दे रहा होता है, उसको डिफरेंट तरह से चेक कर रहा होता है कि उसकी जो है असरात हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस तरह होते हैं। सो द एक्सपेरिमेंट रिवील्स हाउ द चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो ये जानने की कोशिश करता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज होता है। ऑल अदर पॉसिबल इन्फ्लुएंसेस ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल्स रेफर टू एज एक्सट्रियस और कन्फाउंडिंग और सप्रोरियस नीड टू बी एलिमिनेटेड और कंट्रोल्ड ऑफ। और इस डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं हम उसको एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स कहते हैं या कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं या सप्रियस वेरिएबल्स कहते हैं, जिसको कि हमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत होती है, यानी ख़त्म करने की ज़रूरत होती है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई और वेरिएबल्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, तो हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको मैक्सिमम जो है उसको हम कंट्रोल कर सकें और एलिमिनेट कर सकें। और अगर हम कंट्रोल करते हैं या एलिमिनेट करते हैं तो यही चीज़ श्योरिटी है कि हम बेहतर अंदाज से अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में कामयाब हुए और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत हद तक वैलिड हैं, रिलायबल हैं। सो द फैक्टोरियल डिज़ाइन इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इन द केस दैट एक्सपेरिमेंट लुक्स एट मेन इफेक्ट्स हाउ ईच ऑफ देम अफेक्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरेक्शन। यानी एक तो उसमें जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है उसमें दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और देखा यह जाता है कि वो किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं और उनके दरमियान में इंटरेक्शन कैसा है। सो इट इज़ प्रेफरेबल टू ए सीरीज ऑफ सिंगल वेरिएबल स्टडीज। द वेरिएबल्स दैट स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल्स आर कॉल्ड मॉडरेटर वेरिएबल्स। और ऐसे वेरिएबल्स जो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं उसको आप मॉडरेटर वेरिएबल्स कहते हैं। सो मेडिएटर और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, दे मे बी ट्रीटमेंट और सब्जेक्ट रिलेटेड, या कंट्रोल्ड वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इस तरह से जो कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं कहते हैं। सो दीज वेरिएबल्स आर अंडर द एक्सपेरिमेंटल्स कंट्रोल, बट इफ देयर नंबर इंक्रीजेज और द एक्सपेरिमेंटर फेल्स टू कंट्रोल दैम दे टर्न इन टू कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स एंड प्रेजेंट सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर इंटरवेरिएबल। और अगर आप इन सारी जो वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये इनको हम इस सूरत में कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं। और ये अगर मौजूद हों, कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएं और आप उसे कंट्रोल ना कर सकें, तो आपकी जो इंटरनल वैलिडिटी है उसको सीरियस प्रॉब्लम्स ये कॉज कर सकते हैं। सो देयर आर स्लाइट नॉनसेंस इन डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरिएबल्स इन लिटरेचर, बट रूल ऑफ थंब इज़ टू एलिमिनेट ऑल सोर्ट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल इन्फ्लुएंस ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये मतलब रूल ऑफ थंब यही है कि आप जितनी हद तक कोशिश करें हो सके तो जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हैं, जो डिस्क्रिप्टर्स हैं, उनको आप ख़त्म करने की कोशिश करें, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें।
अभी आगे चल के हम इनकी मिसालों से मज़ीद इसकी वजाहत करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें. सो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट कॉजलिटी. तो जो सबसे पहला एक स्टेप है वो ये है कि आप कॉजलिटी को जो है वो फॉर्मुलेट कर सकें हाइपोथेसिस के ऊपर. सो द एक्सपेरिमेंटर एक्सपेक्ट्स सम इफेक्ट मेजर्ड बाय डेवलपमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉज कंटेंट इन डिपेंडेंट वेरिएबल. सो एलिमिनेटिंग ऑल अदर सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस और इन्फ्लुएंस दे माइट लीड टू राइवल हाइपोथेसिस. सो अ नल हाइपोथेसिस स्टेट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्टडी ग्रुप्स दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जो नल हाइपोथेसिस है वो यही स्टेट करता है, वो ये हमें बताता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके दरमियान में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया जाता. थ्योरेटिकली दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट और द वर्किंग हाइपोथेसिस दैट स्टडी सेट्स आउट टू रिफ्यूट. इन प्रैक्टिस हाइपोथेसिस आर यूजुअली फॉर्मुलेटेड एज नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल. जो आमतौर पर जब हम हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं और फॉर्मुलेट करते हैं तो उनको हम डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल कहते हैं. मिसाल के तौर पर वन ऑफ द ग्रुप्स विल हैव ए हायर वैल्यू दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटर वॉन्ट्स टू टेस्ट वेदर देर इज़ एन इफेक्ट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ कॉज और अ ट्रीटमेंट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और अवेलेबल लिटरेचर. तो आइए अब हम इसका दूसरा फीचर डिस्कस करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप है. सो एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर कंपेरेबल इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सपेक्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड एनी डिफरेंसेज इन मेजरमेंट दैट इज़ फाउंड बिटवीन दैम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ट्रीटमेंट. इट एक्चुअली रेफर्स टू एनी चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कैन इंक्लूड एक्टिव इंटरवेंशन दैट इज एडिशन टू द स्टिमुलस और रिमूवल. इन स्टडीज वेयर बोथ ग्रुप्स रिसीव ट्रीटमेंट दे आर कॉल्ड कंपेरिजन ग्रुप्स. बेसिकली वैसे तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में ये होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वो ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा होता है जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है आमतौर पे हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं. लेकिन अगर कुछ कोई ऐसी स्टडी हम ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जिसमें कि बोथ ग्रुप्स जो हैं वो किसी किस्म की ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं तो उसको हम ऐसी सूरत में दोनों को हम कंपेरिजन ग्रुप्स जो है वो कहते हैं. द थर्ड फीचर इज़ लाइक अप्रोप्रिएट सिलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स. जो इसका तीसरा फीचर है वो है कि आप कितने बेहतर अंदाज से अपने सब्जेक्ट को या सैम्पल को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं वो अफेक्ट ना हो, हम कंट्रोल जो है वो बेहतर बना सकें. तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सब्जेक्ट को बड़ा वाइसली जो है वो सिलेक्ट करें. सो सब्जेक्ट सिलेक्शन और असाइनमेंट टू ग्रुप्स आर जनरली रिगार्डेड एज द की फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फ्रॉम अदर्स. आइडियली सब्जेक्ट्स आर रैंडमली पिक्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड असाइंड टू द एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्टर्टिफाइड सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग वेयर द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू अ स्ट्राटा एंड देन पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्राटा. आमतौर पे हम जितनी भी इसमें सिलेक्शन कर रहे होते हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्टाइल की कर रहे होते हैं जिसमें कि रैंडम सैम्पलिंग है. अब रैंडम सैम्पलिंग में मुख्तलिफ टाइप्स हैं जैसे कि स्टर्टिफाइड सैम्पलिंग. स्टर्टिफाइड सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि पहले उनको स्टार्टा में डिवाइड कर लेते हैं पॉपुलेशन को और फिर हर स्टार्टा में से जो है हम रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं. जो दूसरी फॉर्म है इट्स इन लाइक अ प्रोपोर्शनल स्टर्टिफाइड सैम्पलिंग. द प्रोपोर्शन ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच स्टार्टम मिरर्स द प्रोपोर्शनल ऑफ द स्टार्टम इन द पॉपुलेशन. So if the selection is not random, it is called non-probability sampling because not all individuals have equal probability of being selected. Frequently, groups consist of subjects who happen to be at end convenient sampling or those who have characteristics that the experimenter wants to study purposive sampling. Even if selection itself is not random, the subjects may still be randomly assigned to different comparison groups. यानी यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात है जो समझने की है कि हम बहरहाल मैक्सिमम तौर पे ये कोशिश करते हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के लिए स्टडीज़ के लिए सैंपल सेलेक्ट करें वो किसी न किसी तरह से रैंडम सिलेक्शन की ज़ुमरे में आता हो. लेकिन फॉर सम रीजंस अगर हम रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर सकते अपने सैंपल को, हम कन्वीनियंटली सिलेक्ट करते हैं या हम पर्पसली सिलेक्ट करते हैं कि कुछ खास किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हमारे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के अंदर पाई जा रही हों, तो उस सूरत में भी हम जो हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिया होता है
तब भी हम उनमें से रैंडमली जो है वो कंपैरिजन ग्रुप्स बनाते हैं, यानी हमने सिलेक्शन ऑफ सैंपल तो कर लिया कन्वीनियंट सैंपलिंग के थ्रू, लेकिन अब उसके हम दरमियान में जो हम ग्रुप्स बनाने जा रहे हैं, यानी कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाने जा रहे हैं, उनको हम एटलीस्ट रैंडम सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो अनदर मेथड ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन इज मैचिंग. सब्जेक्ट्स इन द कंट्रोल ग्रुप आर चूजन सो एज टू मैच द सब्जेक्ट्स इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन ऑल रिस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल. दूसरा तरीका ये है कि हम मैचिंग करते हैं, यानी मैक्सिमम हद तक कोशिश करते हैं कि जो दोनों ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में किसी न किसी तरह से मैचिंग हो. इन मोस्ट अप्लाइड रिसर्च ओनली नॉन प्रॉब्लमिस्टिक सैम्पलिंग एंड मैचिंग आर पॉसिबल और अप्रोप्रिएट. ओके, नाउ टॉक अबाउट द रेप्लिकेबिलिटी. रेप्लिकेबिलिटी क्या है? रेप्लिकेबिलिटी मीन्स दैट अदर रिसर्चर्स हु कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम मेथडोलॉजी एंड कंपेरेबल सब्जेक्ट्स ग्रुप विल गेट द सेम और सिमिलर रिजल्ट्स. यानी अगर रिसर्चर जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट उसके ऊपर कर रहा है, सब्जेक्ट्स पर कर रहा है, लेकिन मेथडोलॉजी जो है वो सेम यूज़ कर रहा है, कंपेरेबिलिटी के जो क्राइटेरियाज हैं सेम यूज़ कर रहा है, तो रिजल्ट्स भी हमारे पास सेम आने चाहिए. So to make this possible, methodology should be meticulously described when presenting the study. And it is advisable that experimenters replicate their own work as part of strengthening external validity. Now let's talk about reliability and validity. जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स के साथ साथ कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को सक्सेसफुल कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें से एक रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है. ऑल दो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को बहुत डिटेल में पढ़ा है, लेकिन हम फिर भी फॉर द रिकॉल हम जान लेते हैं कि रिलायबिलिटी क्या है. तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी, यानी आप के रिजल्ट्स में कितनी हद तक कंसिस्टेंसी है. इन रिसर्च डिजाइंस दैट इन्वॉल्व एवेल्यूशन ऑफ बाय जजेस और रेटर, इंटर रेटर रिलायबिलिटी मेजर्स वेरिएशंस इन स्कोर्स अक्रॉस रेटर्स एंड इंटर रेटर रिलायबिलिटी मेजर्स वेरिएशंस इन एवेल्यूशंस ऑफ द सेम टास्क और टोकन बाय अ सिंगल रेटर. इसी तरह से जो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है दैट प्राइमरली रेफर्स टू वेरिएशन इन मेजरमेंट ऑफ द सेम पर्सन ऑन द सेम टेस्ट ऑन डिफरेंट ओकेजंस बट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस. यानी टेस्ट टेस्ट ये है कि एक ही बंदे के ऊपर आप सेम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट ओकेजंस के ऊपर बट विद द आइडेंटिकल कंडीशंस जो हैं वो होनी चाहिए, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंटर रेटर रिलायबिलिटी व्हेन इट रेफर्स टू वेरिएशंस इन एवेल्यूएशंस ऑफ सेम टास्क और टोकन बाय द सेम रेटर एट डिफरेंट टाइम्स. So inter-method reliability is exhibited by good correlation between results obtained by different methods in the same subject. और inter-method reliability ये है कि subject आपके पास same है, test same है, लेकिन आप methods different तरह से apply कर रहे हैं और result आपके पास similar आ रहे हैं. There is another kind of reliability that is called parallel forms reliability. Is an issue when test items are randomly assigned to at least two tests from a pool of items of similar difficulty. यानी आप दो टेस्ट जो है वो निकाल रहे हैं और सिमिलर डिफ़िकल्टी के साथ और आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं. देन हाई कोरिलेशन ऑन दीज टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी आर डिज़ायरेबल बिकॉज ये इंडिकेट्स कंसिस्टेंसी ऑफ मेथड, इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्ट एंड सेट्स ऑफ मेजरमेंट. इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट इज ऑल्सो मैनिफेस्टेड एज रिलायबिलिटी. A test is reliable if all of its items correlate with each other. और इसकी जो रेंज है आमतौर पर 0.60 से 0.90 होती है और इट मेजर्स द सेम थिंग हाउएवर कोरिलेशंस हायर देन 0.90 आर इंडिकेटिव ऑफ आइटम्स रिडेंसी. वैलिडिटी क्या चीज़ है? वैलिडिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू ट्रूथफुलनेस और अप्रोप्रिएटनेस, यानी कितनी हद तक चीज़ें जो हैं ट्रू हैं, अप्रोप्रिएट हैं. सो रिसर्च That satisfies this requirement will yield results that are comparable to similar samples and will eventually lead to interpretations that can be applied to similar populations or situations. So to achieve this, two sets of criteria that are grouped around test validity and experiment validity have to be considered. So the former set includes questions about construct validity, does the test measure what it was designed to, और कंटेंट वैलिडिटी क्या है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दैट डज द मेजर द एंटायर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द बिहेवियर दैट ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड द क्राइटेरियन वैलिडिटी. यानी आपने जो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है क्या उसके मुताबिक आप रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे. सो द लेटर सेट ऑफ क्राइटेरिया इज कंसर्न विद द प्रोसीजर इट्सेल्फ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. तो
तो जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो बेसिकली देर आर टू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ वैलिडिटी. वन इज इंटरनल वैलिडिटी एंड द सेकेंड इज एक्सटर्नल वैलिडिटी. सो एज मैंशन अबाउ, वन ऑफ द सेलिंग फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विच इज कवर्ड बाय द नोशन ऑफ इंटरनल वैलिडिटी. तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं जो इंटरनल वैलिडिटी है उसको किस किस तरह के थ्रेट्स जो हैं वो हो सकते हैं. अब इसकी लॉजिक क्या है कि हम क्यों ये जानना चाहते हैं कि कौन से थ्रेट्स हैं इंटरनल वैलिडिटी को. सो इंटरनल वैलिडिटी मेजर मींस दैट एबिलिटी टू एलिमिनेट ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ द डिपेंडेंट वैल्यू. सो वेरिएबल्स अदर देन द ट्रीटमेंट दैट इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी. यानी वो तमाम वेरिएबल्स जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा मौजूद हैं किसी भी तरह से आपके ट्रीटमेंट ग्रुप को अफेक्ट करने के लिए, वो जो है थ्रेट हो सकता है आपके इंटरनल वैलिडिटी को. सो दे थ्रेटन द रिसर्चर्स एबिलिटी टू से दैट द ट्रीटमेंट वॉज द ट्रू कॉजल फैक्टर प्रोड्यूसिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल. Thus, the logic of internal validity is to rule out variables other than the treatment by controlling experimental conditions and through experimental designs. अब इसकी जो logic है वो ये है कि ये researcher को या experimenter को allow करती है कि वो जो conditions हैं experiment की उनको control कर सके, और जो results आ रहे हैं आपके पास वो जो experimenter है या researcher है authenticity के साथ कह सके कि ये results जो हैं these are truly the outcomes of the treatment which was given by the researcher. यानी रिसर्चर ने जो ट्रीटमेंट दी ये उसी का रिजल्ट है, ना कि कोई और वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है और उसकी वजह से जो है वो उसके रिजल्ट्स सामने आए. सो दीज आर द थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, जिसमें कि सिलेक्शन बायस है, हिस्ट्री है, मैच्योरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मॉर्टेलिटी, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, कंटामिनेशन एंड एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी. तो आइए अब हम वन बाय वन तमाम थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी को जानते हैं. द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन बायस. सिलेक्शन बायस क्या है? सिलेक्शन बायस इज द थ्रेट दैट सब्जेक्ट्स विल नॉट फॉर्म इक्विवेलेंट ग्रुप्स. यानी सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे कि इसकी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जो है दैट मैटर्स अलॉट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, कि आपने जो सब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए हैं अपनी रिसर्च के लिए क्या वो आपने इक्विवेलेंट ग्रुप्स बनाए हैं, उसमें किसी किस्म की बायसनेस तो नहीं है. सो इट इज़ अ प्रॉब्लम इन डिजाइंस विदाउट रैंडम असाइनमेंट इट अकर्स व्हेन सब्जेक्ट इज इन वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैव अ कैरेक्टरिस्टिक दैट अफेक्ट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फिजिकल अग्रेसिवनेस द ट्रीटमेंट ग्रुप अनइंटेंशनली कंटेन्स सब्जेक्ट्स हु आर फुटबॉल, रग्बी एंड हॉकी प्लेयर्स, वेयर एज द कंट्रोल ग्रुप इज मेड अप ऑफ म्यूजिशियंस, चेस प्लेयर्स एंड पेंटर्स. तो जब आप दो डिफरेंट तरह के ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स ले लेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सिमिलर हो सकती है. देखिए ना, आपने एक कोई आपने अग्रेसिवनेस को चेक करना है, ठीक है, कि कितनी अग्रेसिवनेस है किसी भी उसके अंदर, और आप एक ग्रुप जो है वो लेने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ग्रुप जो है वो आपने लिया फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उसमें रग्बी एंड हॉकी प्लेयर्स हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपका कंट्रोल ग्रुप था उसके अंदर जो लोग हैं उनका जो प्रोफेशन है या उनकी हॉबी जो है वो म्यूजिशियंस हो सकते हैं, चेस प्लेयर और पेंटर्स हो सकते हैं. अब बाय डिफ़ॉल्ट या बाय नेचर इन दोनों के जो एप्टीट्यूड्स हैं उनमें बड़ा ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है. तो आमतौर पर जो प्लेयर्स होते हैं और स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनके अंदर एग्रेसिवनेस का लेवल ज़्यादा होता है. तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी ट्रीटमेंट की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आपने तो ग्रुप ही नहीं जो बैलेंस लिया है उसी में बायसनेस आ गई. सो अनदर एग्जांपल, इन एक्सपेरिमेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल टू डॉज हैवी ट्रैफिक. अब उसमें क्या, ऑल सब्जेक्ट्स असाइन टू वन ग्रुप कम फ्रॉम रूरल एरिया एंड ऑल सब्जेक्ट्स अनदर ग्रुप इन द लार्जर सिटीज. सो एन एग्जामिनेशन ऑफ प्री टेस्ट स्कोर्स हेल्प्स अ रिसर्चर डिटेक्ट दिस थ्रेट बिकॉज नो ग्रुप डिफरेंसेस आर एक्सपेक्टेड. तो जब आप इतने एक्सट्रीम किस्म के दोनों ग्रुप्स बना लेंगे तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बायस हो सकते हैं. द सेकंड थिंग दैट इफ दैट इज अ थ्रेट टू योर इंटरनल वैलिडिटी इज हिस्ट्री. सो दिस इज द थ्रेट दैट एन इवेंट अनरिलेटेड टू द ट्रीटमेंट विल अकर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एंड इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल. So history effects are more likely in experiments that continue over a long time period. For example, halfway through a 2 week experiment to evaluate subjects attitudes towards space travel, a spacecraft explodes on the launch pad and killing the astronauts. So history jo hai wo bahut zyada effect karti hai aapki treatment ke upar. Teesri cheez hai maturation. This is a threat that some biological
physiological or emotional processes in the subjects and separate from the treatment will change over time. यानी टाइम के साथ जो है चीज़ें मेच्योर हो रही होती हैं, वो बायोलॉजिकली भी हो सकती हैं, फिजोलॉजिकली भी हो सकती हैं, इमोशनल भी हो सकती हैं. सो मेच्योरेशन इज़ मोर कॉमन इन एक्सपेरिमेंट्स ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड्स. यानी कुछ ऐसी रिसर्चेज अगर हम करें जो कि लॉन्ग टाइम के एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड कर रहे हैं, तो जो मेच्योरेशन का टाइम है वो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन रीजनिंग एबिलिटी सब्जेक्ट्स बिकम बोर्ड एंड स्लीपी एंड एज अ रिजल्ट स्कोर लोअर. Another example is an experiment on the styles of children's play between grade 1 and 6. So play styles are affected by physical, emotional and maturation changes that occur as the children grow older instead of or in addition to the effects of a treatment. So designs with a pre-test and control group help researchers determine whether maturation or history effects are present, because both experimental and control groups will show similar changes over the time. So maturation ka jo process hai usko control karna bahut zaruri hai. So the next threat that could be affect the to the validity, that is testing. So sometimes the pre-test measure itself affects an experiment. समटाइम्स जो हम प्री टेस्ट लेते हैं वही हमारे एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट कर जाते हैं. दिस टेस्टिंग इफेक्ट थ्रेटन्स इंटरनल वैलिडिटी बिकॉज मोर देन द ट्रीटमेंट अलोन अफेक्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल. द सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन हेल्प्स अ रिसर्चर डिटेक्टिंग टेस्टिंग इफेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर गिव स्टूडेंट्स एन एग्जामिनेशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास. द कोर्स इज द ट्रीटमेंट. He or she tests learning by giving the same exam on the last day of class. If subjects remember the pre-test question and this affects what they learned. So how they answer questions on the post-test, a testing effect is present. If testing effects occur, a researcher cannot say that the treatment alone has affected the dependent variable. यानी उसने जो टेस्ट पहले से ही उसके दिमाग में रह गया होगा प्री टेस्टिंग के दौरान, और उसने वो सारी चीज़ें उसको मेमोरी में होंगी, और जब वो वही सेम टेस्ट जो है वो पोस्ट टेस्ट के ऊपर दे रहा होगा, तो डेफिनेटली जो आउटकम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. और हम ये नहीं कह सकते कि जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट जो हमने दी थी उसकी वजह से आ रहे हैं, बल्कि देयर कुड बी सम अदर फैक्टर्स टू. देन देयर कम्स द इंस्ट्रूमेंटेशन. दिस थ्रेट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी. इफ इट अकर्स व्हेन द इंस्ट्रूमेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर्स चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. मिसाल के तौर पर, इन वेट लॉस एक्सपेरिमेंट स्प्रिंग्स ऑन द स्केल वीकन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट गिविंग लोअर रीडिंग्स इन द पोस्ट टेस्ट. सो अगर आपके जो हैं वो स्केल्स वीकन हो चुके हैं, तो आप डेफिनेटली वो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिफरेंट आएंगे. सो इट नीड्स टू बी डिटरमिन दैट योर इंस्ट्रूमेंट इज इंटैक्ट. द नेक्स्ट थ्रेट इज़ मॉर्टेलिटी. मॉर्टेलिटी का मतलब आम तौर पे तो हम डेथ लेते हैं, और डेथ का मतलब है कि अल्टीमेट डेथ, ठीक है. लेकिन इसके अंदर हम ये नहीं समझ रहे कि जो डेथ है वो वाकई में हकीकत की डेथ हो सकती है. It doesn't mean the death of the subjects, but if a subset of subjects leaves part away through an experiment, a researcher cannot know whether the results would have been different had the subject stayed. For example, a researcher begins a weight loss program with 50 subjects. At the end of the program, 30 remain, and each of who lost 5 pounds with no side effects, the 20 who left could have different from the 30 who stayed. So changing the results, maybe the program was effective for those who left and they withdraw after losing 25 pounds. Or perhaps the program made subjects sick and forced them to quit. It means ki wo jo results the ya wo jo subjects the wo study ke liye उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, उनका खात्मा हो चुका है, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो डिफरेंट जो है वो आ सकते हैं. सो रिसर्चर्स शुड नोटिस एंड रिपोर्ट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप ड्यूरिंग प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट दिस थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी. द नेक्स्ट स्टेप इज स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन. स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन इज नॉट ईजी टू ग्रैस्प इंट्यूटिवली. It is a problem of the extreme values or tendency for random errors to move group results toward the average. It can occur in two ways. ये दो तरह से हो सकती है. एक सिचुएशन तब अराइज होती है जबकि सब्जेक्ट्स आर अनयूजुअल विद रिगार्ड टू डिपेंडेंट वेरिएबल. बिकॉज द बिगिन एज अनयूजुअल और एक्सट्रीम, सब्जेक्ट्स आर अनलाइकली टू रिस्पॉन्ड फर्दर इन द सेम डायरेक्शन. मिसाल के तौर पर, अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू सी वेदर वायलेंट फिल्म मेक पीपल एक्ट वायलेंटली. He or she chooses a group of violent criminals from a high security prison, gives them a pre-test, shows violent films, and then administers a post-test.
To the researcher's shock, the criminals are slightly less violent after the film, whereas a control group of non-prisoners who did not see the film are slightly more violent than before. Ab hua kya? Because the violent criminals begin at an extreme, it is unlikely that a treatment could make them more violent. But random chance alone, they appear less extreme when measured a second time. दूसरी चीज़ जो स्टैटिकल रिएक्शन में है वो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जबकि विद इन द प्रॉब्लम जो है विद द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट के जो है उसकी मेजरमेंट में प्रॉब्लम. सो इफ़ मैनी सब्जेक्ट स्कोर वेरी हाई और वेरी लो ऑन ए वेरिएबल रैंडम चांस अलॉन विद प्रोड्यूस विल प्रोड्यूस अ चेंज बिटवीन द प्री टेस्ट एंड द पोस्ट टेस्ट. मिसाल के तौर पर अ रिसर्चर गिव्स 80 सब्जेक्ट्स एट अ टेस्ट एंड 75 गेट परफेक्ट स्कोर्स. So he or she then gives a treatment to raise scores. Because so many subjects already had perfect scores, random errors will reduce the group average because those who got perfect scores can randomly move in only one direction to go get some answers wrong. So an examination of scores on pre-test will help researchers detect this threat to internal validity. The next is diffusion of treatment or contamination. So diffusion of treatment or contamination is the threat that subjects in different groups will communicate to each other and learn about the other's treatment. अब इसमें क्या होता है कि रिसर्चर अवॉइड करने की कोशिश करता है बाय आइसोलेटिंग ग्रुप्स और हैविंग सब्जेक्ट्स प्रोमिस नॉट टू रिवील एनीथिंग टू अदर्स हु विल बिकम सब्जेक्ट्स. इसकी मिसाल इस तरह से है दैट सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट इन अ डे लॉन्ग एक्सपेरिमेंट ऑन अ न्यू वे टू मेमोराइज वर्ड्स. ड्यूरिंग अ ब्रेक ट्रीटमेंट ग्रुप सब्जेक्ट्स टेल दोज इन द कंट्रोल ग्रुप अबाउट द न्यू वे टू मेमोराइज विच कंट्रोल ग्रुप सब्जेक्ट्स देन यूज. अ रिसर्चर नीड्स आउटसाइड इन्फॉर्मेशन सच एज पोस्ट एक्सपेरिमेंट इंटरव्यूज विद सब्जेक्ट्स टू डिटेक्ट दिस थ्रेट. यानी आपने जो ट्रीटमेंट दी है वो कंट्रोल ग्रुप के ऊपर जो है वो लीक आउट हो जाए. ठीक है, यानी आपने एक पूरा दिन एक सब्जेक्ट के ग्रुप के साथ गुजारा, एक्सपेरिमेंट ग्रुप के साथ गुजारा, आपने उन्हें ट्रीटमेंट दी और जब ब्रेक हुई, ब्रेक के दौरान दोनों ग्रुप्स का इंटरेक्शन हुआ और एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये हमें उन्होंने तरीका बताया कि आप इस तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हैं. अब जब कंट्रोल ग्रुप को पता तो लग गया, अब उन्होंने भी वो मेमोराइजेशन का तरीका इस्तेमाल कर लिया और जब पोस्ट टेस्ट लिया गया तो दोनों ग्रुप्स के टेस्ट में जो था वो सिमिलैरिटीज़ हो गई क्योंकि उन्होंने बेहतर कर लिया, इम्प्रूव कर लिया कंट्रोल ग्रुप ने, क्योंकि उनको भी वो पता लग चुकी थी, इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो चुकी थी. सो ये जो लीक आउट होने की सिचुएशन, इसको हम कंटेमिनेशन कहते हैं. देन कम्स द कंपनसेटरी बिहेवियर. सम एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड समथिंग ऑफ वैल्यू टू वन ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स बट नॉट टू अनदर एंड द डिफरेंस बिकम्स नोन. देन इक्वालिटी मे प्रोड्यूस प्रेशर टू रिड्यूस डिफरेंसेस. Competitive rivalry between groups or resentful demoralization. All these types of compensatory behavior can affect the dependent variable in addition to the treatment. So for example, one school system receives a treatment, longer lunch breaks, to produce gains in learning. Once in the inequality is known, subjects in the control group demand equal treatment and work extra hard to learn and overcome the inequality. So another group becomes demoralized by the unequal treatment and withdraws from the learning. So it is difficult to detect this threat unless outside information is used. So see the earlier discussion of diffusion or the treatment. Then comes the experimental expectancy. अब जो experiment करने वाला है या researcher है उसकी sometimes उसका जो expectancy level है या उसकी expectation है वो भी internal validity के लिए एक threat हो सकती है. So it's not always considered a traditional internal validity problem. A researcher may threaten internal validity not by purposefully unethical behavior but by indirectly communicating experimental expectancy to subjects. Researchers may be highly committed to the hypothesis and indirectly communicate desired findings to the subject. So thank you very much. I do hope कि आपने जो आज का लेक्चर है इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट्स के ऊपर उसको सुना और अंडरस्टैंड किया. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding this, you may can ask to me, and I am available at Google Classroom, where you can put your question, and I can reply you there. Thank you very much for a patient listener.